समय था जब गरीबों के राशन कोटेदार ही डकार जाते थे। सरकार सस्ती रेट पर गरीबों के लिए राशन मुहैया कराती थी ताकि गरीबों के पेट की आग बुझ सके। मामूली पैसे में गरीबों के परिवार को 2 जून की रोटी मिल सके। पीडीएस सिस्टम में भ्रष्टाचार का ऐसा दीमक लगा हुआ था कि पूरा सिस्टम ही खोखला हो चुका था। सरकार जो अनाज गरीबों के लिए भेजती थी उसमें से ज्यादातर हिस्सा साहूकारों के गोदाम में चला जाता था। कोटेदार और सरकारी अधिकारी मिलकर गरीबों के लिए मिले राशन को अपना समझकर बांट लेते थे। ज्यों-ज्यों टेक्नोलॉजी ने विकास किया, आधार से राशन कार्ड लिंक करना शुरू हुआ, तब जाकर गरीबों को उनका हक मिलना शुरू हुआ। अब कोटेदार भी बेईमानी करने से पहले सोचता है। ऐसा नहीं कि डिजिटल डाका नहीं डाल सकते हैं, भ्रष्टाचारी कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। अब पीडीएस सिस्टम में नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद गरीबों में विश्वास बढ़ा है। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। उत्तर प्रदेश राशन बांटने के मामले में कभी सबसे ज्यादा घपलों के लिए जाना जाने वाला प्रदेश था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त और पारदर्शी बनाया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शी बायोमेट्रिक तरीके से 99% से ज्यादा राशन वितरण कर प्रदेश सरकार ने कीर्तिमान बनाया है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जिसकी राशन व्यवस्था को उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें योगी सरकार कार्यकाल में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं देखी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर योगी सरकार और इससे पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा क्या अंतर रहा है कि यूपी की राशन वितरण व्यवस्था ही बदल गई है। जहां जमाखोरी, भ्रष्टाचार, राशन वितरण में जमकर होने की खबरें सामने आती थी, वहीं योगी सरकार के दौरान यूपी में राशन वितरण प्रणाली की साफ तस्वीर पेश हुई है, जिससे उत्तर प्रदेश की छवि भी बेहतर हुई है। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? उत्तर प्रदेश में राशन वितरण बड़े व्यापक पैमाने पर चलता है। राज्य में 80,000 राशन की दुकानें हैं, जिसमें राज्य के 75 जिलों के 826 प्रखंडों में फैले 14,38,00,000 राशन पाने वाले लोग हैं। इस व्यापक स्तर की वितरण व्यवस्था में यूपी की पुरानी सरकारों ने ठीक तरीके से इस पर ध्यान नहीं दिया। समय पर राशन नहीं मिलता था, लोगों को उनके हक का राशन नहीं मिल पाता था, इस पर सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। इसके अलावा खाद्यान्न का असमय आना और उसकी ट्रैकिंग न होना भी पारदर्शिता की कमी दर्शाता था। इन सब कमियों के चलते जिन्हें राशन मिलना था उन्हें नहीं मिल पाता था। ऐसे में योगी सरकार के सामने देश के बड़े प्रदेश में बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को योगी सरकार ने स्वीकार किया और इस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। योगी सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि राशन पाने वाले पात्र हैं या नहीं। इसके लिए 14,38,00,000 लाभार्थियों के लिए सभी 3.5 करोड़ से अधिक राशन कार्डों के आधार सीडिंग हुई और बायोमेट्रिक के जरिए जांच की गई। वहीं CSC के माध्यम से बड़े पैमाने पर आधार का प्रमाणीकरण अभियान चलाया गया। प्रदेश की सभी 80,000 राशन की दुकानों को इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन से लैस किया गया और लेन देन को बायोमेट्रिक सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा फरवरी 2020 तक 93% लोगों का आधार मिलाया गया। आज की स्थिति तक यूपी में 98% से अधिक पीडीएस लेन देन आधार के माध्यम से होते हैं। यूपी के राशन वितरण को लेकर एक और समस्या थी और वो ये कि खाद्यान्न ले जाने के दौरान अनाज की बर्बादी। ऐसे में योगी सरकार ने तकनीक का इस्तेमाल किया, वाहनों को GPS सिस्टम से जोड़ा। ऐसे में योगी सरकार द्वारा किए गए कई बेहतर बदलावों के चलते सही लोगों को सही मात्रा में राशन मिलना संभव हुआ है। योगी सरकार के अभियान में यूपी में 25,00,000 फेक राशन कार्ड हटाए गए। आधार सीडिंग और EPOS आधारित राशन वितरण से यूपी ने 1,600 करोड़ बचाए। वहीं अब राशन दुकान मालिक किसी भी लाभार्थी को उसे मिलने वाले खाद्यान्न की मात्रा से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यही वजह है कि यूपी का अब राशन वितरण के मामले में उदाहरण दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज़।